लेकिन इस्लामी के अंदर तो हमारी जो हाउस फाइनेंस है वो भी डिमिनिशिंग मुशारका की बुनियाद पर है, और जो ऑटो फाइनेंस है वो भी डिमिनिशिंग मुशारका की बुनियाद पर है। लेकिन दूसरे जो बैंक है जैसे मिजान बैंक है या TIB वगैरह है, वहाँ पर ऑटो फाइनेंस नॉर्मली इजारा की बुनियाद पर है। तो इजारा में क्या होता है कि वो जो भी एसेट है, गाड़ी है, 100% बैंक खुद मालिक बनता है, ऑनरशिप बैंक की होती है, और बैंक अपने कस्टमर को किराए पर देता है। जिसका मतलब ये कि मालिक बैंक है और जो कस्टमर है उसको किराए पर इस्तेमाल कर रहा है, और वो इस्तेमाल और अब जो रेंटल बैंक तय करता है वो इस बात को देखते हुए तय करता है कि इस जो रेंटल में बैंक इन्वेस्टमेंट भी निकल आए और साथ साथ बैंक उसको कुछ कमा भी ले। और जब टेनर पूरा हो जाता है 3 साल 5 साल, तो उसके बाद एक अलग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से, अलग एग्रीमेंट के जरिए से बैंक अपनी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर करता है कस्टमर की तरफ। तो ये जो तरीकाकार इजारा का कहलाता है। अच्छा, मुशारका में एक और सूरत है जो रियल पार्टनरशिप की, वो कहलाती है रनिंग मुशारका, कि वो कंपनीज या वो बिजनेसेस जो पिछले 5 साल से प्रॉफिट में, वो सिर्फ रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है कि इसमें बैंक उस बिजनेस की बिजनेस पार्टनरशिप करता है, बिजनेस के समझो ऑपरेशंस के अंदर पैसा लगाता है, और बैंक कहता है कि ठीक है मैं आपके साथ बिजनेस में पार्टनर हूँ, जो प्रॉफिट होगा उसमें हम तकसीम करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुरू में तय हो जाती है। तो इट इज़ कॉल्ड रनिंग मुशारका। तो वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड बैंक कर रहा होता है, सिर्फ उन कंपनीज के साथ जिनके अकाउंट्स मौजूद हो, ऑडिट वगैरह होता हो, वरना अगर हर एक को देने लगते हैं तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि अभी तो नज़र आ रहा है प्रॉफिट में, जैसे बैंक का पैसे लगा तो फ़ौरन वो सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, हाँ भाई ये लॉस में गया है। तो अगर नेट सेल में डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं इस्लामिक बैंक एंड कन्वेंशनल बैंक, तो ये स्लाइड है कि वहाँ पर कन्वेंशनल बैंक के अंदर सिर्फ पैसे की बात होती है कि आपने अमाउंट दिया और एडिशनल अमाउंट वापस किया, जबकि इस्लामिक बैंक के अंदर आपको कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, इजारा का कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप का है, वहाँ कोई ना कोई गुड एंड सर्विसेज आपको दरमियान में रखनी पड़ती हैं, जिसके नतीजे में वो जो मामला होता है वो शरिया कंप्लाइंट होता है। मजीद डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पहला डिफरेंस कि इस्लामिक बैंक के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो नॉर्मली एसिड बैक्ड हैं, कोई ना कोई एसिड यानी होता है, यानी ट्रेडिंग होगी तब भी एसिड होगा, पार्टनरशिप उसमें भी एसिड मौजूद होगा, अगर आप रेंटल का बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर भी कोई चीज़ होगी, कोई एसिड होगा जिसको आप रेंट आउट करेंगे, जबकि कन्वेंशनल बैंक के अंदर एसिड की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने पैसे दिए और पैसे पर इजाफी पैसे ले लिए, वहाँ उनको अपने मोड ऑफ फाइनेंस के लिए किसी एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पर यह कि इस्लामिक बैंक क्योंकि शरिया गाइडलाइंस के अंदर काम करते हैं, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हैं जो कि सिर्फ रिबा के अलावा हैं जो इस्लाम ने हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में लगाई है। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट सेलिंग से हमें मना किया है, सेल ऑफ डेट हम नहीं कर सकते, स्पेकुलेशन का बिजनेस, गैम्बलिंग वगैरह वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन हैं जो रिबा के अलावा हैं, और इनका कंप्लाई करने से एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग बनती है। इसी वजह से यहाँ तो इस्लामिक बैंकिंग का नाम इस्लामिक बैंकिंग है, लेकिन बहुत सारे ममालिक हुए जहाँ पर उन्होंने इस बैंकिंग के तरीके कार्य का नाम एथिकल बैंकिंग रखा है, सोशल बैंकिंग उसका नाम रखा है, कि ये जो बैंक इस्लामिक बैंकिंग का तरीका कार है ये सोशली रिस्पॉन्सिबल है, एथिकल है, तो नाम ही उन्होंने बजाय इस्लाम के ये नाम रखे उसके। इसी तरीके से वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर जो काम है वो 100% हराम है, जायज़ काम ही नहीं है, तो उनकी ना तो फाइनेंसिंग हो सकती है, ना अकाउंट्स वगैरह खुल सकते हैं, और उसके साथ साथ शरिया गवर्नेंस, शरिया गवर्नेंस का मतलब ये है कि किस अभी जो बात हमने आपके सामने की है आपके लिए ठीक है बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन क्या वाकता इन सब की निगरानी हो रही होती है, क्या वाकता इस बात इन तमाम बातों को पूरा किया जा रहा होता है। तो इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क नाफिज है, जिसके नतीजे में हर इस्लामिक बैंक के लिए लाजमी है नंबर एक कि उसका शरिया बोर्ड हो। अगर मैं बैंक इस्लामी की बात करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शरिया बोर्ड के ऊपर 4 मुफ्तियाने किराम है, जो कि समझें कि इफ्ता भी किया हुआ है, जो शरिया की नॉलेज है वो भी है, और बैंकिंग वगैरह की नॉलेज भी उनको है, जिसमें मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब है जो कि जिनका अभी तस्करा भी हो रहा था, मुफ्ती सैयद हुसैन साहब हैं जो कि दारुल कराची के दारुल इफ्ता में होते हैं, मुफ्ती हुसैन अहमद साहब हैं जामत रशीद के दारुल इफ्ता में होते हैं, और मुफ्ती जावेद अहमद साहब हैं, 4 अफराद हैं जो हमारे शरिया बोर्ड पर। अच्छा, उसके बाद सवाल आता है कि शरिया बोर्ड ने ठीक है पॉलिसी बना ली, इम्प्लीमेंट कर दी, ये कैसे पता चलेगा कि वो जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है,
तो उसके लिए लाजमी है कि हर इस्लामी बैंक के अंदर शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट, शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जो भी शरिया बोर्ड ने वो हिदायत किए, जो पॉलिसीज अप्रूव किए वो नाफिज हों। उसके लिए वो अपने मुख्तलिफ ब्रांचेस का रिव्यू कर सकता है, वो डिपार्टमेंट्स का रिव्यू कर सकता है, ट्रांजेक्शन को देख सकता है और एट द एंड इंश्योर ये करना है कि शरिया बोर्ड की जो हिदायत है वो नाफिज हो जाए। इसके साथ अगला जो चीज़ लाजमी इस्लामी बैंक में वो ये कि जिस तरह एक इंटरनल ऑडिट होता है तो इस्लामी बैंक के लिए लाजमी है उनका इंटरनल शरिया ऑडिट हो, जो उनका सिर्फ ऑडिट ना हो बल्कि शरिया ऑडिट भी उनका लाजमी है। अब ये तमाम तो आप कह सकते हो कि बैंक के अंदर की चीज़ें हैं और उसमें हो सकता है कि कम्प्रोमाइज कर लिया जाए, तो एक और चीज़ इस्लामी बैंक के लिए लाजमी है कि उनके फाइनेंशियल्स पब्लिश नहीं हो सकते जब तक कि उनका एक्सटर्नल शरिया ऑडिट ना हो जाए। एक्सटर्नल शरिया ऑडिट इस्लामी बैंक्स के लिए लाजमी है। तो ये तमाम पूरा शरिया गवर्नेंस है जिसका मकसद ये है कि इस्लामी बैंक्स के जो हिदायत है चीज़ें वो शरीयत के मुताबिक हो। बैंक इस्लामी ने इस्लामी बैंकिंग के हवाले से मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसमें से एक आज का ये सेमिनार भी है। बाकी इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक एक इनिशिएटिव इस्लामी बैंक इस्लामी का वो ये कि एक बैंक इस्लामी ने छोटी सी बुकलेट जो हमारी वेबसाइट में मौजूद है वो पहले लिखी उर्दू के अंदर और वो उसके बाद तकरीबन 10 लैंग्वेजेस के अंदर उसकी ट्रांसलेशन हुई और इस वक्त अलहमदुल्ला 11 लैंग्वेजेस के अंदर इस्लामी बैंकिंग की नॉलेज बैंक इस्लामी की वेबसाइट पर मौजूद है, जिसके अंदर आपके जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं कि ये जो इस्लामी बैंकिंग का बुकलेट है हमारे पास ये सिंधी में मौजूद है, सराइकी में मौजूद है, पंजाबी में मौजूद है, पश्तो में मौजूद है, हिंदो में मौजूद है, बलोची में मौजूद है, बराबी में मौजूद है, फारसी में मौजूद है, इंग्लिश में मौजूद है, अरबी में मौजूद है। तो 11 लैंग्वेजेज हैं जिसमें अलहमदिल्ला इस्लामी बैंकिंग की नॉलेज आपको बैंक इस्लामी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब कुछ वो सवालात हैं जो आम तौर पर जहनों में आ रहे होते हैं तो उस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। एक सवाल कई दफ़ा लोग ये करते हैं कि यार इस्लाम में बैंकिंग का नाम निज़ाम है ही नहीं, जो आप ये कहते हो कि नहीं, वो सवाल बाद रिफ्रेज इस तरह करते हैं कि इस्लामिक बैंक कहना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इस्लामिक वाइन बोलना, इस्लामी शराब बोलना। तो बात ये है कि बैंकिंग है क्या? बैंकिंग जो है वो एक इट इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कि आपकी इकोनॉमी में दो किस्म के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनके पास सरप्लस अमाउंट मौजूद है, दूसरे वो लोग हैं जो डेफिसिट में। जो सरप्लस अमाउंट जिनके पास मौजूद है वो बिजनेसिस तक पहुंचेगी, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म में कहते हैं कि आपकी सेविंग कन्वर्ट हो जाएंगी इन्वेस्टमेंट में, सेविंग जो आपकी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना दरमियान में जो इदारा है दैट इज बैंक, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए जो फैसिलिटेशन है वो बैंक कर रहा होता है। तो अब ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का फंक्शन है अगर ये इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर है तो बिल्कुल हम ये कहते हैं कि ऐसे किसी निज़ाम के इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम